आज की सारी बड़ी अपडेट सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। बताएंगे विधायक को थप्पड़ मारे जाने के मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं पिछड़ा समाज के लोग। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए अर्बन नक्सल बता रही थी। अब कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिससे मोदी से लेकर भाजपा के लोग सारे के सारे भड़कने वाले हैं। दोस्तों साझा महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी के बीच में आपस में ही तीर और तलवारें खिंचती दिखाई दे रही है। बताएंगे कौन से मामले को लेकर हो गया है नया विवाद। दोस्तों जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी को ट्रेन हादसे कोई बड़ी घटना नहीं लगती है। बताएंगे बीजेपी के सहयोगी के बयान पर नया बवाल शुरू हुआ है। दोस्तों जी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता ने नीतीश कुमार को साथ में आने की है अपील। इसी के साथ में एक बार फिर से गोदी मीडिया के द्वारा फेक न्यूज फैलाए जाने का भंडाफोड़ हुआ है। एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अंदर सारी की सारी सीटें इस बार परिवर्तन करने के लिए वोट डालेगी और एक तरफा इस बार के पक्ष में माहौल है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि 10 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 8 पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान करने का बड़ा दावा किया है। समाजवादी पार्टी मात्र 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने को है तैयार। इसको लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। 6 सीटों पर तो उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले में समाजवादी पार्टी की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर के अंदर भाजपा के नेता ने एक ऐसा बड़ा कांड कर दिया, इसके बाद बीजेपी से पिछड़ा वर्ग के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। दोस्तों लखीमपुर के बैंक कोऑपरेटिव चुनाव से 2 दिन पहले स्थानीय वकील अवधेश सिंह और बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस के सामने ही अवधेश सिंह ने अपने समर्थकों के साथ विधायक की पिटाई कर दी। यानी बीजेपी के एमएलए को भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने पीट दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विधायक साहब की काफी किरकिरी हो गई। दोस्तों लोगों ने कहा कि यहां कैसे विधायक है जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि अब विधायक के समाज के लोगों ने भी विरोध की आवाज को और प्रखर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि योगेश वर्मा के समर्थकों और कुर्मी समाज के लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किया। डीएम के कार्यालय को घेरते हुए जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि दोस्तों लोगों की इस मांग पर अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे कहा जा सके कि विधायक को ही पूरा न्याय दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब समाजवादी पार्टी ने मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, इसमें कटहरी, माझवा, फूलपुर और सीसामऊ की सीट पर कुर्मी समाज के लोगों का दबदबा है। 4 में से 2 पर ही 2022 में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। इस बार चारों की चारों सीटें जीतने के लिए पार्टी की ओर से कोशिशें की जा रही है। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। ज्योति बिंद पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस सीट पर अपना पत्ता नहीं खोला है। निषाद पार्टी और अपना पार्टी सोनेलाल यहां से सीट की दावेदारी कर रहे हैं। सवर्ण वोटों को साधने के लिए मांझवा में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार लोगों के बीच में जा रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में पिछड़ा समाज के वोटों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को पूरे उपचुनाव में तगड़ा झटका देने की चल रही है बड़ी तैयारी। अगर आप भी मानते हैं किसी तरीके से फूलपुर, कटहरी, सीसामऊ 3 सीटों पर और मांझवा की सीट लगाकर 4 सीटों पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है और इसी प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछड़ा वर्ग के लोग और मजबूती से नजर आएंगे और कार्रवाई करने में बीजेपी जिस तरीके से आनाकानी कर रही है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद अपने विधायक की कोई चिंता नहीं है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर पिछड़ा समाज के लोग जो बीजेपी को वोट देते थे वो भी पलटी मारेंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी को नक्सलाइज्ड पार्टी या फिर अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, तो इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग हमारी पार्टी को अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं लेकिन बीजेपी तो आतंकी पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये लोग लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। अब उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया इससे भाजपा के लोग तो बुरी तरीके से भड़कने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस पर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई सारे लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन कर रहे हैं। क्या आप उनके बयान को सपोर्ट करते हैं या फिर आपकी कोई और राय है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों सासा महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और देश में अगर लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चुनाव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चुनाव है, तो वो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, क्योंकि भारत की पूरी इकोनॉमी और महाराष्ट्र की इकोनॉमी लगभग एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। यानी भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है मुंबई को, जो महाराष्ट्र के अंदर है। दोस्तों और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आपस में ठनी पड़ी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक तथाकथित सर्वे किया गया है और एकनाथ शिंदे की पार्टी को कहा गया है कि आप लोगों की पार्टी के जो विधायक है उन्हें लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके की नाराजगी, और इसीलिए एकनाथ शिंदे से कहा जा रहा है कि आप कई सारे अपने सिटिंग एमएलए के टिकट काट दीजिए, उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारिए। यानी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही है, यानी अपने इशारों पर चलाने का प्रयास कर रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महायुति के सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पार्टी का मानना है कि भाजपा लोकसभा की तरह ज्यादा सीटें लड़कर हारने वाली है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके सिटिंग एमएलए को लेकर नाराजगी है, आप नए उम्मीदवार बनाइए ताकि उनके पास और भी नए उम्मीदवार ना हो, तो फिर वो भारतीय जनता
पार्टी को सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दे दे तो अब एकनाथ शिंदे की पार्टी की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि आपकी पार्टी को लेकर लोगों में नाराजगी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। दोनों के बीच में खींचतान लगातार जारी है। आपकी क्या राय है, क्या महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बन पाएगा या फिर इसी तरीके से आपस में ही लड़ते नजर आएंगे? साथ साथ दोस्तों मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी जो जनता दल यूनाइटेड के नेता है और मोदी सरकार के मंत्री है, एक रेल हादसे लेकर बेतुका बयान देते हुए कहते हैं कि अरे रेल दुर्घटना होता रहता है। यानी मंत्री जी, मोदी सरकार के मंत्री जी ऐसा बयान दे रहे हैं रेल हादसे को लेकर। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ट्रेन के हादसे रोकने की जगह और उस पर संतावना व्यक्त करने की जगह मोदी सरकार के मंत्री अहंकारी बयान देते हुए कह रहे हैं कि अरे रेल दुर्घटना होता रहता है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता से बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लखनऊ के अंदर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी विधायक योगेश शर्मा की पिटाई के मामले को लेकर कि वकीलों को धैर्य में रहना चाहिए था, धैर्य के साथ काम करना चाहिए था। सबसे बड़ी जीत मिल्कीपुर में होने जा रही है। करहल, सीसामऊ और अन्य क्षेत्र के अंदर भी मेहनत कर रहे हैं। यानी योगी सरकार के मंत्रियों को भी पता है कि इससे भारी नुकसान होगा दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब कहने लगे हैं कि वकीलों को धैर्य रखना चाहिए। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार को उधर यानी एनडीए में नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की सलाह दी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इसी बयान पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया कि हाँ एकदम सही कहा है अखिलेश यादव जी ने, जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। साथ साथ दोस्तों हैदराबाद में माँ दुर्गा की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि मीडिया में ये चलाया गया कि हैदराबाद के अंदर दुर्गा की मूर्ति तोड़ी गई और इसके बाद दोस्तों ओवैसी से जोड़कर स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था और एक तरीके से फिर विद्वेष फैलाने, आपसी मतभेद फैलाने को लेकर और खासकर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यह पूरा शो आयोजित किया गया था। इसमें जो कैप्शन लिखा गया था जी न्यूज की ओर से, वो लिखा गया कि हैदराबाद में मुस्लिम भीड़ ने तोड़ी दुर्गा की मूर्ति, माधवी ने ओवैसी को दिया अल्टीमेटम। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस स्तर पर उतरकर फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने बताया कि हैदराबाद में माँ दुर्गा की मूर्ति तोड़ने वाले का नाम कृष्णैया गौड़ है, जो जी न्यूज वाले झूठ बोलकर नफरत फैला रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं किस स्तर पर उतरकर पूरे कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही बड़ा कारण दोस्तों कि दिल्ली और नोएडा में बैठकर इस तरीके से खुलेआम फेक न्यूज फैला रहे हैं गोदी मीडिया के लोग। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सरकार को इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करते हुए एंकर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? साथ महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी ने अमरावती से विधायक सुलभा खोडके को पार्टी से निलंबित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ कैंपेन करने के मामले को लेकर यह महाराष्ट्र में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही और भी आने वाले दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। साथ महाराष्ट्र के अंदर एमएनएस ने एक बयान जारी किया है। एमएनएस के प्रमुख ने दशहरे के मौके पर जोरदार भाषण देते हुए कहा कि मतदाताओं से आगामी चुनाव को अपने भविष्य पर नियंत्रण करने के अवसर के रूप में लेने की गुहार लगाता हूं। उन्होंने आगे कहा कि उत्सव के मौके पर कि अब समय आ गया है राजनीतिक परिवर्तन का। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बरसों से हमको हल्के में लिया जाता, इस बार हम बैलेट से बदला लेंगे। यानी एमएनएस पार्टी इस बार अकेले दम पर मैदान में उतरी हुई है और इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा सीट से सांसद है, पोर्शे कार में घूमते नजर आए। आपको बता दें कि 2 करोड़ की उनके पास ये कार है। इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक सांसद के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो पोर्शे कंपनी की कार चला रहे हैं 2 करोड़ की। आपको क्या लगता है दोस्तों, कहां से ये 2 करोड़ की कार आई होगी? साथ साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल अमरावती की विधायक सुलभा खोडके को पार्टी से बाहर निकाला, तो इसके बाद अब उनके विपक्षी पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चा चल रही है कि अजित पवार के गुट में शामिल होंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो कांग्रेस पार्टी को सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, वरना कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव नहीं हरा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को हराना है तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा और वक्फ संशोधन विधेयक बीजेपी लागू करके सामाजिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। क्या ओवैसी की ओर से कही गई इस बात का आप समर्थन करते हैं या फिर आप लोग की कोई और राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों दशहरे पर हरदोई में यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह रावण को जलाने पहुंचे, इस पर लोगों ने कहा कि मुझे हंसी आ रही है, जिसका पुतला जलाना चाहिए वो रावण का पुतला जला रहा है। साथ साथ दोस्तों टेरर फंडिंग मामले को लेकर आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के अंदर दावा किया जाता कि इंजीनियर राशिद को जानबूझकर जेल से बाहर लेकर आया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनसी के वोट काटे जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर सरकार बनाने के विकल्प खोल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद भी इंजीनियर राशिद को जेल नहीं भेजा गया, अभी तक जेल से बाहर रखा गया है, तो अब सवाल उठने लाजमी है। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर बीएसपी के इलेक्शन रिजल्ट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि बीएसपी इस बार बुरी तरीके से चुनाव हार गई है, लेकिन आकाश आनंद की ओर से एक रीट्वीट किया गया, एक पोस्ट किया गया है, इसमें बीएसपी के परफॉर्मेंस को लेकर एक एनालिसिस सामने आया है। दोस्तों इसमें दावा किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट परसेंटेज प्राप्त किया है। बीएसपी को इस बार 4.51% के आसपास वोट शेयर मिला है, जो 2014 में मात्र 4.14% के आसपास मिला था। यानी 82 सीटें लड़ने के बावजूद उनको 4.14% के आसपास वोट मिला था, लेकिन मात्र 36 सीटों पर 4.51% के आसपास वोट शेयर
क्लियर मिला है। तो बीएसपी के नेता आकाश आनंद इसे एक अचीवमेंट के तौर पर देख रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर शपथ लिया जाएगा, उपराज्यपाल के सामने पेश किया गया है सरकार बनाने का दावा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पूरे हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की एक तरफा लहर चल रही थी, कुल वोट मिले हैं 61,284, यानी दोस्तों जिस पार्टी ने तीसरा नंबर स्थान प्राप्त किया था और 10% से ज्यादा वोट शेयर उनको पिछले चुनावों में मिला था, यानी कई लाख वोट मिले थे, 10 लाख से ऊपर ही वोट मिले होंगे, लेकिन इस बार उनको मात्र 61,000 के आसपास वोट मिले हैं। टोटल मिलाकर तो आप लोग समझ सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी का कितना बुरा हाल है पूरे हरियाणा के अंदर, कि उनको मात्र 61,000 वोट मिले हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का एक बड़ा परिणाम है। अगर आप भी मानते हैं कि जितने भी बीजेपी के साथ में अलायंस में है उनके लिए एक सबक है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में उमर अब्दुल्ला 4 हिंदू लोगों को अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कई निर्दलियों को मौका दिया जाएगा और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला की पार्टी से भी 2-3 हिंदू समाज के लोग चुनाव जीत कर आए हैं, हिंदू एमएलए बने हैं, तो उनको भी मौका दिया जाएगा और जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्र की राजनीति करेंगे, उन्होंने पहले ही खुलकर बोल दिया था। आप लोग अपनी राय जो लिखा था दोस्तों। साथ साथ मलयालम फिल्म उद्योग में महिला कर्मियों के बदहाल स्थिति को उजागर करती जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट इन दिनों केरल विधानसभा में विवाद का विषय बन गई है। एक रिपोर्ट की माने तो इस संबंध में जांच की कथित कमी के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा करने के लिए पेश किया गया नोटिस, इस पर स्पीकर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। चर्चा करने के लिए फिर विवाद हो गया। हेमा समिति की रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दल यूडीएफ ने केरल सरकार का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जस्टिस हेमा समिति द्वारा दिसंबर 2019 में सौंपी गई रिपोर्ट के निष्कर्षों पर समय से कार्रवाई करने में विफल रही है। यूडीएफ का दावा है कि केरल की वामपंथी सरकार यौन शोषण और दुर्व्यवहार की घटनाओं के बारे में बचाव कर रही थी, इसलिए राज्य सरकार विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है, यानी महिलाओं को न्याय दिलाने के किसी मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी और बीआरएस के कई सारे एमएलए आने वाले दिनों में खासकर दिवाली के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। महेश कुमार गौड़ जो तेलंगाना कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनकी ओर से एक सनसनीखेज दावा किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में अमरावती जिले के बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पत्नी नवनीत राणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता का आश्वासन दिया है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, वही महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले महीने होने की संभावनाएं हैं, लेकिन नवनीत राणा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको राज्यसभा का आश्वासन दिया गया, खुलकर उनके पति ने बताया है दोस्तों। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखे जरूर। साथ साथ अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को समर्थन वापस लेने के लिए कहा था, इस पर जनता दल यूनाइटेड के नेता और मोदी सरकार के मंत्री राजीव रंजन कहते हैं कि अखिलेश यादव हमसे ये अपील कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाया था उसके साथ अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से अलग होना चाहिए, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के लिए जेडीयू को बोलना चाहिए। साथ साथ दोस्तों केरल में हो रहे देश विरोधी अपराध, सीएम ने मुझे अंधेरे में रखा, आरिफ मोहम्मद जो राज्यपाल है उनकी ओर से केरल को लेकर यह टिप्पणी आई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सत्ताधारी वामपंथी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य में हो रहे देश विरोधी अपराधों को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा। राज्यपाल ने यह भी बताया कि अब तक मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना नियमित रूप से राजभवन आते हैं और अब उनका और स्वागत नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों राज्यपाल खुलकर कह रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों और राज्य विरोधी गतिविधियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री ने, इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री मानते हैं कि राज्य में देश विरोधी अपराध हो रहा है। राज्यपाल ने हाल ही में विजयन द्वारा भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए बातें कही है। कुल मिलाकर दोस्तों मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ साथ झारखंड के अंदर हिंदू मुस्लिम करने के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। हेमंत सोरेन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार उठाए जा रहे घुसपैठ के मुद्दे को लेकर निशाना साधा गया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है दोस्तों। राघवगढ़ के पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 121 135 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। लक्ष्मण सिंह के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह सिगरेट पीते हुए पुलिस कर्मियों से बहस करते हुए दिख रहे हैं। आदित्य विक्रम ने नुक्कड़ नाटक बंद करवाने को लेकर धमकी दी थी। साथ साथ दोस्तों लुधियाना में कांग्रेस पार्टी के पूर्व MLA संजय तलवार की कार पर फायरिंग हुई है, विंडो तोड़कर सीट में भेद गई गोली। आपको बता दें कि लगातार राज्य के अंदर विपक्ष के लोगों पर हो रहा हमला काफी बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक संजय तलवार की गाड़ी पर रात में फायरिंग की गई। ये गोली किसने चलाई इसे लेकर अभी तक जांच चल रही है। पुलिस की ओर से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसी बातें की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल है और उसके नेता पर इस तरीके का हमला काफी गंभीर विषय है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव काफी सारे बड़े मैसेज भेजकर गया है दोस्तों। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर 47 विधानसभा सीटों में से 19 में भगवा पार्टी ने औसतन लगभग हर सीट पर
7% वोट हासिल किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर वैली के अंदर सारी सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी के आंकड़े को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर के अंदर जहां पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी है वहां पर लगभग 7% के आसपास वोट मिला है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2% से भी कम वोट मिले थे, तो 5% का इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी ने इंप्रूवमेंट जरूर किया है, लेकिन उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर किया जाना चाहिए था। और भाजपा के लोग जो दावा कर रहे थे, खासकर देश के मीडिया में और गोदी मीडिया में जो दावे कर रहे थे कि मोदी सरकार ने बहुत विकास किया है, कश्मीर के लोग बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन मात्र 5% का इजाफा हुआ है, वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोकल कैंडिडेट के कारण हो गया होगा, तो इसे कोई खास बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं माना जा सकता। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानपुर में साल 2015 में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 32 आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस को वापस लेने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर जिला प्रशासन के इस संबंध में अदालत में याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। ये सभी आरोपी हिंदू समुदाय से है जिन पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। दोस्तों इसी तरीके से एक कार्रवाई करते हुए कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जब 2022 में हुए दंगे के मामले को लेकर कई सारे केस वापस लिए थे तो भाजपा के लोग भड़क गए थे और कहने लगे थे कि मुसलमानों के केस वापस लिए जा रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानपुर के अंदर 2015 में हुए दंगों को लेकर केस वापस ले रही है तब एक भी मीडिया में कहीं कोई डिबेट नहीं चल रहा, कोई ये सवाल नहीं खड़ा कर रहा कि हिंदू तुष्टिकरण किया जा रहा है। यही बड़ा कारण दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के दोहरे एजेंडे की लोगों ने पोल खोल दिया। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग विपक्ष को लेकर एक अलग ही मोड में नजर आते हैं और अपनी सरकार चाहे जो करे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, साथ साथ मायावती एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव होती नजर आ रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में घूमने गए एक दलित युवक के साथ शाम को पुलिस की बर्बरता से हुई मौत के मामले को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अति दुखद है, लोगों में काफी रोष व्याप्त है, सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करे तथा पीड़ित परिवार की पूरी मदद करे। मायावती बड़े दिनों के बाद अब दलित उत्पीड़न को लेकर खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए और न्याय की मांगे कर रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं किसी तरीके से अगर बसपा सुप्रीमो दलित समाज के न्याय को लेकर आवाज उठाती रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि मायावती जितना ज्यादा एक्टिव होंगी उतना ज्यादा इंडिया गठबंधन को भी फायदा पहुंचेगा। और ये जो न्याय की मांग की गई है इस पर अब सरकार को देखना चाहिए और विपक्ष को भी इस मुद्दे को ट्रेस करना चाहिए। अगर कार्रवाई सही से नहीं होती और न्याय नहीं मिलता तो फिर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाना चाहिए। साथ साथ नीतीश कुमार का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों, इसमें नीतीश कुमार धनुष चलाते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उनको धनुष अपने हाथ में रखना था और तीर रावण की तरफ फेंकना था, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा धनुष तीर के साथ में नीचे की तरफ फेंक दिया। नीतीश कुमार का धनुष नीचे गिरने के बाद वो देख रहे थे, आसपास के खड़े लोग तीर चला रहे थे। आपको बता दें कि तीर कमान उनका चुनाव चिन्ह है और इसके बावजूद उनसे तीर नहीं संभल रहा है, तो क्या ये संकेत है कि नीतीश कुमार की तबीयत आजकल खराब है? जो मीडिया में और तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब रहती है और आजकल अस्वस्थ होने के कारण उनके सारे अधिकारी सरकार चला रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार से सरकारी कार्यक्रम भी नहीं करवाए जाते ताकि लोगों को ना पता चले कि उनकी तबीयत खराब है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लेकर जो सवाल थी क्या वही अब नीतीश कुमार को लेकर भी है कि क्या उनके अधिकारी केवल उनके चेहरे के नाम पर सरकार अपने लिए चला रहे हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दुर्गा माता की मूर्ति खंडित करने वाला गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ के अंदर नवरात्रे के मौके पर एक व्यक्ति ने दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर दिया था। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा था गिरफ्तार करने के लिए और आप लोग जानते हैं कि किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही होगी। हालांकि बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाई है और गिरफ्तारी की है। लखनऊ की पुलिस ने जो गिरफ्तारी की उसमें आरोपी का नाम सुनील राजपूत बताया जा रहा है जो मूर्ति तोड़ रहा था। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे जो बाद में पता चले कि फेक है, जिन्हें मुस्लिम समाज के लोगों से जोड़कर अफवाह फैलाने के प्रयास किए जा रहे थे। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ दोस्तों मौसमी सिंह जो आज तक की पत्रकार है और कांग्रेस पार्टी को ट्रेस करती है, यानी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई खबरें लोगों के सामने रखी है, अब उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है कि एक सर्वे कराया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा इलेक्शन के मद्देनजर, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के समर्थन में ज्यादातर सर्वे के रिजल्ट रहे। यानी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको टिकट दे रहे थे उनके समर्थन में ही बातें सर्वे में कही जा रही थी और इसी सर्वे के आधार पर टिकट बांटा गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने टिकट बांटे और बाद में 72 टिकट जो दिया गया था उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव हार गए। इसके कारण कांग्रेस पार्टी की बहुमत से सरकार नहीं बन पाई। आपको बता दें कि ये जानकारी सामने आने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि कई सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही है और धीरे धीरे करके कई नेताओं की हकीकत सामने आने लगी है जो अपने लिए केवल काम कर रहे थे और एक जीता जिताया चुनाव हरवा दिया गया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लगातार शेयर करते रहिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को छूटे नहीं, सबको मिलती रहे सारी इन्फॉर्मेशन और एकदम अच्छी खबरें लोगों तक पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत, बहुत धन्यवाद।